तो हेलो गाइस, ये अभी मैं एक आइसक्रीम बनाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको पहले 15 सेंटीमीटर का स्केल ले लेना है। उसके बाद गाइस, आपको छोटा सा कोन बनाना है ऐसे। गाइस, अब मैं आपको थोड़ा डार्क से करने के लिए दिखा लेता हूँ। उसके बाद गाइस, आपको ऐसे करना है। उसके बाद गाइस, आपको ऐसे करना है। उसके बाद गाइस, आपको ऐसे करके ऐसे करके गाइस, उसके बाद आपको इधर एक लाइन ऐसे करना है। उसके बाद गाइस, इधर आपको ऐसे करके ऐसे करके को ऐसे करना है गाइस। उसके बाद गाइस, आपको इधर एक चेरी बनाना है। उसके बाद गाइस, आपको ऐसे कनेक्ट करना है इसे। उसके बाद गाइस, आपको ऐसे करना है। उसके बाद तो गाइस, मैंने ये कर लिया है। अभी गाइस, आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। उसके बाद गाइस, आपको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करना है। ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे 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 बस ऐसे। तो गाइस, अभी मैं शेडिंग देने वाला हूँ। तो गाइस, मेरा शेडिंग भी कंप्लीट हो गया। तो अभी मैं ऑयल पेस्टल कलर से मैं अभी करने वाला हूँ ड्राइंग। तो अभी आपको थोड़ा ब्राउन कलर लेना है। उसके बाद ऐसे करना है आपको। उसके बाद गाइस, थोड़ा सा ऐसे ही करना है। गाइस, उसके बाद आपको इसके बीच वाले पार्ट में येलो करना है। तो येलो कलर क्यों मिल। तो गाइस, अभी इसके अंदर आपको येलो कलर कर देना है। उसके बाद गाइस, आपको ब्राउन कलर फिर से लेना है। पिंक ले लिया था गाइस अभी। के बाद गाइस, आपको ऐसे ऐसे करना है। गाइस, अगर आपको कोई कलर करना है ऑयल पेस्टल से, आप ऐसे ऐसे कीजिए। ऐसे ऐसे करने से ना गाइस, वो अच्छे से बाहर बाहर चले जाएगा। तो आप ऐसे ऐसे कीजिएगा, ठीक है गाइस। ये ड्राइंग की टिप मैं आपको दे रहा हूँ। तो गाइस, मैं इसको जैसे किया है, मैं उसको भी वैसे ही करके मिलता हूँ गाइस आपसे। तब तक के लिए मैं ये करता हूँ। तो गाइस, मैं ये कर लिया हूँ। उसके बाद आप रुको गाइस, मैं पहले ये कर लेता हूँ। आपको ऑरेंज कलर लेना है गाइस। उसका धीरे धीरे से करना है, ज़्यादा जोर से नहीं गाइस, धीरे धीरे से, बिल्कुल धीरे से।
तरफ भी ऐसे ही करना है गाइस। तो बाद गाइस आपको थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देना है गाइस। उसके बाद गाइस मैं पीला कलर करके आपसे मिलता हूँ। तो गाइस मैं अभी पीला कलर कर रहा हूँ। उसके बाद गाइस मैं ये वाला कलर करना भूल गया था, तो मैं अभी कर रहा हूँ। ऑरेंज कलर लेना है गाइस आपको फिर से, थोड़ा थोड़ा सा मार देना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा। पीला कलर लेना है, उसके बाद कर देना है थोड़ा थोड़ा ज़्यादा सा। तो गाइस मैं थोड़ा और अच्छे से कर देता हूँ। तो गाइस हमारे ये इसका बेस तो कंप्लीट हो गया, अब आते हैं मेन आइसक्रीम पे। तो गाइस अभी मैं आपको पर्पल कलर नहीं लेना है गाइस, पर इसको भी करना है। तो गाइस मैं इसको भी करके मिलता हूँ। उसके बाद येलो, उसके बाद ऑरेंज करना है गाइस, उसके बाद ब्राउन करना है। उसके बाद गाइस आपको पिंक लेना है। उसके बाद ऐसे शेडिंग देना है, मतलब धीरे धीरे से देना है ऐसे। तो गाइस पहले मैं पिंक पिंक सब करके आपसे मिलता हूँ। उसके नहीं नहीं रुको गाइस, उसके बाद आपको इधर से भी करना है। तो गाइस उसके बाद आपको इधर से भी करना है गाइस। शेडिंग नहीं देते वैसे देना है आपको। तो गाइस ये हो गया है, अभी एक चेरी में करते हैं गाइस। तो इसके लिए मेरे को गाइस एक पतला कलर ढूंढना होगा, तो मैं अभी पतला कलर निकाल, गाइस मैंने पतला कलर भी निकाल लिया है, क्योंकि गाइस वो शाइन देने के लिए होता है ना। तो गाइस इसको पतला कलर नहीं बोलते, मेरे को अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है, इसको प्लास्टिक क्रेयॉन्स बोलते हैं। और ये इसी के साथ ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। तो तब तक के लिए बाय बाय।